And this is a short break, very, very short break, especially for those people who are unable to do any super chat or या UPI payment नहीं कर पा रहे हैं या हमारे member भी नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके लिए एक quiz रखा गया है। तो आप अपने intellect का demonstration दीजिए और इस quiz को जीतिए and the winner will get free Oracle reading worth 400 rupees। इसमें आपके सारे questions answer हो जाएंगे। Alright, जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए मैं रूल्स बता दूं। बहुत ही आसान रूल हैं। नंबर वन, कोई फी नहीं है इसमें। एनी बडी हु इज लाइव राइट नाउ हु इज वॉचिंग अस कैन पार्टिसिपेट। आप कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, एब्सोल्युटली फ्री। दैट इज वन। नंबर टू, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले सही जवाब देना है। यू हैव टू बी द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। क्वेश्चन इस तरफ डिस्प्ले होगा, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सबसे पहले सही जवाब देना है। सबसे पहले सही जवाब देंगे तो आप जीत जाएंगे। दूसरा जो इसमें आपको चीज़ ख्याल रखनी है वो ये कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए किसी वजह से, क्योंकि अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी होगी तो जिसने नहीं की है वो जीत जाएगा आपके बाद। तो सबसे पहले करना है, सबसे ज़्यादा कंप्लीट आंसर देना है, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये तीन चार चीज़ें हैं, ध्यान रहे। ऑलराइट, तो ये हमने रूल्स बता दिए हैं और हम अपना क्विज चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मोमेंट्स। ऑलराइट, सो ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे और जितना जल्दी आप आंसर करेंगे उतना जल्दी आप जीतेंगे। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज कमिंग अप राइट नाउ। इन द ईयर 1232, हु वॉज द जनरल ऑफ मंगोल आर्मी अंडर हुम द सीज ऑफ चाइनीज जिन कैपिटल कैफेंग बिगिंस। दिस बैटल इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड बैटल वेयर द गन पाउडर वॉज यूज। 1832 में वो मंगोल आर्मी के जनरल का नाम बताइए जिसके लीडरशिप के अंडर चाइना की जिन डायनेस्टी की कैपिटल कैफेंग पे इन्वेजन किया गया और उसको हराया गया। इस बैटल में दुनिया में पहली दफ़ा गन पाउडर का इस्तेमाल हुआ। तो आपको क्वेश्चन तो लंबा है लेकिन इस जनरल का नाम बता रहा है, मंगोल जनरल, मंगोल आर्मी का जो जनरल था जिसने चाइना की जो एक डायनेस्टी थी जिन डायनेस्टी, इसकी कैपिटल थी कैफेंग, उसको उन्होंने डिफीट किया और उस पर कब्जा किया। तो इस जनरल का नाम बताना है। मैंने इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही ये क्वेश्चंस बताए हैं। आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, और सबसे पहले सही जवाब दें। आर्मी, मंगोल आर्मी के जनरल का नाम बताना है। और जैसे जैसे ही आपके आंसर आएंगे वैसे इस तरफ देखेंगे, आपको जो आपको देखेगा वही हमें देखेगा। तो जिस सीक्वेंस में आएंगे उसी सीक्वेंस में यहाँ पे दिखाई भी देंगे, आपको भी दिखाई देंगे। ऑलराइट, तो आंसर आने लगे हैं, मैं देख रहा हूँ। प्रवीण राठौर का सबसे पहले जवाब आया है और उन्होंने कहा है सुबेदाए। मंगोल आर्मी के जनरल का नाम प्रवीण राठौर ने बताया है सुबेदाए। ओके, जलपा शाह ने बताया है सुबुटाए। बहुत ही क्लोज है ये दोनों, सुबेदाए और सुबुटाए। रूबल बाथ इज सेइंग हान शिजोंग। प्रवीण राठौर इज सेइंग कुबलाई खान। प्रवीण राठौर ने अपना आंसर चेंज किया है, उन्होंने कहा है कुबलाई खान। सनिका ने कहा है बाबर ए बयान। सोनिया गांधी ने कहा है कुबलाई खान, हुबली खान ऑफ द मंगोल्स। ऑल राइट, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो सबसे जल्दी सही जवाब देता है वही जीतता है हमारे इस क्विज में। सिर्फ चार राउंड होंगे, आपके पास समय कम है, आपने काफ़ी लोगों ने जवाब दिए हैं। तो सबसे पहले आया था प्रवीण राठौर का, उन्होंने कहा है सुबेदाए, और उसके बाद जलपा शाह ने कहा है सुबुटाए। तो अब देखते हैं इन दोनों में से किसका आंसर सही है। हम आंसर खोलने जा रहे हैं, जिसका आंसर सही होगा वही जीतेगा। सो आंसर इज जनरल सुबेदाए, और प्रवीण राठौर ने सबसे सही जवाब दिया है जनरल सुबेदाए। मैं प्रवीण राठौर का नाम डिस्प्ले करता हूं स्क्रीन के ऊपर। प्रवीण राठौर आपका नाम स्क्रीन पे है। जनरल सुबेदाए वॉज द लीडर ऑफ द मंगोल आर्मी, और आपका आंसर एकदम सही है। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रवीण राठौर। सो ये जो है इनका थोड़ा सा बता देता हूं एक दो लाइन के अंदर। जनरल सुबेदाए वॉज
from the Russian descent. He was basically north of Mongol, and he was not an original Mongol, but he was very strategic in his thought process. So he was liked by the Khan. Khan is basically the Mongol king. तो इनको स्पेशली बुलाया गया क्योंकि चाइना से ये बार बार हार रहे थे. तो इनको स्पेशली बुलाया गया एट ए वेरी राइप एज, एट द एज ऑफ 72. देन ही प्लान्ड द इन्वेजन ऑफ चाइना एंड बहुत सारे स्कर्मिश करके. इवन दो द चाइनीज साइड यूज गन पाउडर एंड रॉकेट्स ऑन देयर आर्मी, दे वर एबल टू डिफीट चाइनीज एंड कैप्चर देयर कैपिटल. एंड बिकॉज ऑफ दिस द एंटायर जिन डायनेस्टी वॉज एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ द मंगोल इन्वेजन अंडर दिस जनरल लीडरशिप. हिज नेम इज जनरल सुबेदाई. प्रवीण राठौर इस राउंड में जीते हैं. बिल्कुल सही जवाब दिया है प्रवीण राठौर, गुड जॉब. एंड अब हम आगे बढ़ते हैं. और जिन लोगों ने कुबलाई खान का आंसर दिया है, कुबलाई खान से पहले की बात है ये. कुबलाई खान वॉज अ ग्रैंड सन ऑफ जेंगिस खान. So Kublai Khan was not involved. He was probably not born when this battle happened. तो उन लोगों के लिए बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर सुबेदाई था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Everybody focus on the next question. In the year 1893, what beverage is declared as America's national drink? 1893 में कौन से बेवरेज को, कौन से ड्रिंक को अमेरिका का नेशनल ड्रिंक घोषित कर दिया गया? 1893 अमेरिकाज नेशनल ड्रिंक. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें उस बेवरेज का नाम बताना है, उस ड्रिंक का जो लिक्विड है उसका नाम बताना है. इट कुड बी एनीथिंग, लेकिन आपका आंसर सही होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए. और इसमें मेक श्योर कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर आपकी जल्दबाजी में किसी वजह से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो आपको नुकसान हो सकता है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रहे. एक दो सेकंड एक्स्ट्रा लें, लेकिन सही जवाब दें, स्पेलिंग मिस्टेक ना करें. ऑल राइट, तो कुछ जवाब आए हैं, देखते हैं किन के जवाब आए हैं. सनिका, सनिका इज सेइंग पेप्सी. एंड वैष्णवी पांडे इज सेइंग कैपिराना. ओके, is it something else? Capirana. Jalpa Shah is saying Coca-Cola. Aparna V is saying coffee. Vaishnavi Pandey is again saying Capirana. I don't know what it is, but Capirana hai unka answer, Vaishnavi Pandey ka. Rubal Bhatt is saying coffee. Pratima Kushwaha is saying coffee. Praveen Rathore coffee. Sonia Gandhi is saying coffee. तो काफी लोगों के आंसर आए हैं, अब हम आंसर खोलेंगे. सबसे पहले आया था पेप्सी फ्रॉम सनिका. सनिका ने सबसे पहले पेप्सी बोला था. सनिका जी, हम चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं. हेयर कम्स द आंसर. हम आंसर ओपन करने जा रहे हैं. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉफी. कॉफी वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल ड्रिंक ऑफ अमेरिका इन द ईयर 1893. सबसे पहले सही जवाब देने वाली है अपर्णा वी. अपर्णा वी, अपर्णा वी ने सबसे पहले सही जवाब दिया है इसका. अपर्णा वी, आपका नाम स्क्रीन पे है. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अपर्णा वी. ऑल राइट, ग्रेट जॉब अपर्णा वी. आप सबको पता होना चाहिए कि इंडिया का नेशनल ड्रिंक क्या है. सो वी आर नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन, बट एज ए साइड नोट, हमें पता होना चाहिए कि इंडिया का भी एक नेशनल ड्रिंक है. ऑल राइट, let's move to the question, next question. In the year 1904, New York City changes the name of this place called Times Square in honor of the New York Times moving in that area. What was its original name? 1904 mein New York City ne Times Square ka naam Times Square rakha, 1904 mein rakha, क्योंकि वो न्यूयॉर्क टाइम्स जो उस जो अखबार है उस एरिया में मूव किया था, तो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उस चौराहे का नाम उन्होंने टाइम स्क्वायर रखा. लेकिन उसका ओरिजिनल नाम क्या था जिसको बदल के टाइम स्क्वायर रखा गया? अब आपको पता है टाइम स्क्वायर इज़ अ वेरी पॉपुलर प्लेस, वेरी वेरी हैपनिंग, यू नो, वेरी क्राउडेड एंड वेरी वेरी हैपनिंग. टाइम स्क्वायर से ही आपका यू नो प्ले स्ट्रीट भी निकलता है, बहुत सारे लैंडमार्क निकलते हैं न्यूयॉर्क के लैंडमार्क टाइम स्क्वायर से. टाइम स्क्वायर इट्सेल्फ इज़ अ लैंडमार्क. लेकिन टाइम स्क्वायर से पहले उसका कुछ और नाम था. इस जगह का ओरिजिनल नाम आपको बताना है. ये टाइम स्क्वायर जो नाम रखा गया 1904 में रखा गया, इसका ओरिजिनल नाम बताना है. ऑल राइट,
we have started getting the answers. Sanika is saying long acre square. Ruby Tiwari is saying long acre square. Jalpa Shah, long acre square. Ruby Tiwari, long acre square. Rubal Bath, new spelling mistake hai Rubal Bath, Amsterdam hai. Amsterdam hona chahiye. So new Amsterdam. Praveen Rathor is saying long acre square. Aparna V is saying Amsterdam. New Amsterdam. All right. So, सबसे पहले जो आंसर आया है सनिका का है. सनिका is saying long acre square. So, अब हम आंसर खोलने जा रहे हैं. We will check if सनिका is right or not. बिल्कुल सही सनिका. Long acre square was the original name. आपका नाम हम डिस्प्ले करेंगे सनिका जी. Round of applause. सो लॉन्ग एकर स्क्वायर इसका ओरिजिनल नाम था. 1904 में इसका नाम बदल के टाइम स्क्वायर किया गया. ग्रेट जॉब सनिका फॉर गिविंग द राइट आंसर. ऑलराइट वी आर मूविंग टू द लास्ट राउंड. फोकस फ्रेंड्स लास्ट राउंड की तरफ जा रहे हैं. हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द ईयर 1983 विच मैजिशियन मेक्स द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी डिसअपीयर इन फ्रंट ऑफ लाइव ऑडियंस. 1983 में वो कौन से मैजिशियन थे जिन्होंने पूरी की पूरी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को डिसअपीयर कर दिया था इन फ्रंट ऑफ लाइव ऑडियंस, इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मे बी 50, 100, 150, वी डोंट नो, बट सारे लोगों के सामने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को डिसअपीयर कर दिया था उन्होंने. इस मैजिशियन का आपको पूरा नाम बताना है जीतने के लिए. आप आधा भी बता सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन पूरा बताएंगे तो जीतेंगे. सबसे पहले जो पूरा नाम बताएगा वही जीतेगा इस राउंड में. फोकस फोकस ऑन द क्वेश्चन. सोने गांधी ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, इसको फोकस करें आप. 1983 में वो कौन से मैजिशियंस हैं जिन्होंने पब्लिक के सामने पूरी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, जो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, नेशनल मॉन्यूमेंट है यूएस का, उसको डिसअपीयर कर दिया था उन्होंने. एक जादू की ट्रिक थी ये, असल में डिसअपीयर नहीं हुआ, लेकिन जो लोग मौजूद थे उन्होंने देखा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वहां से गायब हो गया. इनका आपको पूरा नाम बताना है. ऑल राइट आप इसका आधा नाम भी बताएंगे तो भी चलेगा, लेकिन पूरा नाम बताएंगे तो जीतेंगे. ऑल राइट इनके आंसर आए हैं हमारे पास. हम देखेंगे पहले किसका आया है. ओके सो रूबी तिवारी सेंग डेविड कॉपरफील्ड. अपर्णा वी सेंग डेविड कॉपरफील्ड. रूबल बाथ डेविड कॉपरफील्ड. प्रवीण राठौर डेविड कॉपरफील्ड. वैष्णवी पांडे डेविड सीथ कॉटकिन. वैष्णवी पांडे डेविड सेट कॉटकिन. ऑल राइट सुने गांधे डेविड कॉपरफील्ड. सनिका इज सेइंग रिग्ड. आई डोंट नो व्हाट इज रिग्ड. ऑल राइट तो काफी आंसर आए हैं. Ruby Tiwari was the first one. She said David Copperfield. हम चेक करेंगे इनका पूरा नाम क्या है और देखेंगे कि Ruby Tiwari इसको जीतती हैं कि नहीं. ओके सनिका ने भी कहा है David Seth Kotkin. सोने गांधी कह रही हैं डेविड कॉपरफील्ड सीनियर. ऑल राइट सोने गांधी आप हमेशा ऐसा कुछ करती है, कहीं पे सीनियर लगाते हो कहीं पे जूनियर लगाते हो. ऑल राइट सबसे पहले आंसर आया था रूबी तिवारी का जिन्होंने कहा है डेविड कॉपरफील्ड. नाउ लेट्स चेक इफ रूबी तिवारी विंस दिस राउंड. इनका नाम है डेविड सेट कोटकिन और इनका फिक्टिशियस नेम है डेविड कॉपरफील्ड. इनका जो एक्चुअल पूरा नाम है डेविड सेट कोटकिन. ऑल राइट ये नाम किसने दिया है सबसे पहले? ये वैष्णवी पांडे ने दिया है. वैष्णवी पांडे ने कहा है डेविड सेट कोटकिन. सबसे पहले वैष्णवी पांडे ने ये आंसर दिया है. वैष्णवी जी आपका नाम स्क्रीन पे है. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वैष्णवी पांडे. ये थोड़ा मुश्किल सवाल था वैष्णवी जी. आपने अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल किया, आपने टाइम लिया, यू वेटेड फॉर सम टाइम, यू डिड नॉट कमिट एनी मिस्टेक और आपने ये एक मुश्किल
जो क्वेश्चन था उसको आपने हल किया, और आपने इनका डेविड कॉपरफील्ड के नाम से मशहूर है पर उनका नाम है डेविड सेट कोटकिन जो आपने दिया, बिल्कुल आप इस राउंड में जीती हैं। ऑल राइट, तो हमारी ये क्विज यहाँ पे समाप्त होती है। अब हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, वी विल कम बैक विद द विनर इन्फॉर्मेशन। मीनवाइल प्लीज डोंट गो एनीवेयर, वेट फॉर द रिजल्ट एंड वी विल कम बैक। इट कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, हु नोस। ऑल राइट, विनर को मिलेगा प्री ओरेकल रीडिंग विच इज वर्थ 400 रुपीज। सो फ्रेंड्स, आई विल जॉइन यू बैक आफ्टर ए वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक। तो दोस्तों, आई एम बैक। आज का रिजल्ट इस नोटबुक में हमारे सामने है, हम आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों ने इसमें क्विज में पार्टिसिपेट किया उन लोगों के नाम लेना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज पार्टिसिपेशन इज़ एवरीथिंग। इफ़ यू डू नॉट पार्टिसिपेट देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ विनिंग और लूजिंग, बट इफ़ यू पार्टिसिपेट यू यू विल विन। इवन इफ़ यू लूज टूडे यू विल डेफिनेटली विन टुमारो। सो पार्टिसिपेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आप सभी के नाम हैं जिन्होंने आज एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, वो हैं प्रवीण राठौर, जलपा शाह, रूबल बात, सनिका, सोनिया गांधी, अपर्णा वी, वैष्णवी पांडे एंड प्रतिमा कुशवाहा एंड रूबी तिवारी। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से पार्टिसिपेट करिए, यू विल एक्चुअली इंक्रीज योर कॉम्पिटिटिवनेस एंड यू विल ऑल्सो बिकम नॉलेजेबल। ऑल राइट, अब हम रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे कि सोने गांधी ने ऑलरेडी भविष्यवाणी कर दी है, टुडे वी हैव ए टाई सिचुएशन। सोने गांधी, आप रिजल्ट रखती हैं अपना, अपना भी आप पैरेलल मेंटेन करती हैं, बट आपने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई आज टाई है, तो आज टाई है। लेकिन टाई किन लोगों के बीच में है? आज चार लोगों के बीच में टाई सिचुएशन है, तो यहाँ पे एक टाई ब्रेकर का क्वेश्चन आएगा, तो हम टाई ब्रेकर का राउंड डिस्प्ले कर देते हैं। अब टाई ब्रेकर आएगा और मैं आपको आप रिजल्ट बता देता हूँ। प्रवीण राठौर, सनिका, अपर्णा वी एंड वैष्णवी पांडे, आप चारों ने एक एक राउंड जीता है, आप चारों का स्कोर एक है। अब हम आप चारों के अंदर से हमें विनर ढूंढना पड़ेगा इस टाई ब्रेकर के जरिए। तो आप चारों बताइए, इफ़ यू आर प्रेजेंट देन आई विल डिस्प्ले द क्वेश्चन। टाई ब्रेकर का क्वेश्चन मैं डिस्प्ले करूंगा, आप एक साथ ही बोलिए कि आप प्रेजेंट हैं, सो दैट सबको एक साथ ही क्वेश्चन दिखाई देगा। आप लोगों को बोलना है यस, प्रवीण राठौर, सनिका, अपर्णा वी एंड वैष्णवी पांडे, आप में से कौन प्रेजेंट हैं, कौन से हमारे गेस्ट प्रेजेंट हैं? प्रवीण राठौर, सनिका, अपर्णा वी एंड वैष्णवी पांडे। सो वैष्णवी पांडे एंड सनिका आर प्रेजेंट। व्हाट अबाउट अपर्णा वी? शी इज ऑल्सो प्रेजेंट। प्रवीण राठौर इज ऑल्सो प्रेजेंट। ऑल राइट, सो ऑल फोर आर प्रेजेंट। आप चारों को ही इसका आंसर देना है। रूल बिल्कुल सेम है, सबसे पहले जो सही जवाब देगा, कंप्लीट जवाब देगा, वो जीतेगा। ये चारों के बीच में ही है, तो आप चारों को ही जवाब देना है, कोई और इंटरफेयर नहीं करेगा इसमें। हेयर कम्स द क्वेश्चन, टाई ब्रेकर क्वेश्चन आपके सामने है। 2022 में व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ऑल प्राइवेट स्पेस फ्लाइट लॉन्च्ड फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? वो दुनिया की सबसे पहली ऑल प्राइवेट स्पेस फ्लाइट जिसको लॉन्च किया गया टू रीच स्पेस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इस फ्लाइट का, इस स्पेसशिप का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ऑल प्राइवेट स्पेस फ्लाइट दैट वॉज लॉन्च टू रीच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? इस स्पेसशिप का, इस रॉकेट का नाम क्या था? बहुत ही रीसेंट है, 2022 की ये घटना है। ऑल प्राइवेट मतलब इसमें गवर्नमेंट का योगदान नहीं है, सब प्राइवेट पार्टीज ने इसको, रॉकेट को बनाया है और इसको लॉन्च किया गया था 2022 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। इसका नाम बताना है। ऑल राइट, कुछ लोगों के आंसर आए हैं। वैष्णवी पांडे का आंसर आ चुका है,
सनिका का भी आंसर आ चुका है, अपर्णा वी का भी आ गया है और सबका आ गया है, चारों ने आंसर कर दिया है। तो मैं चारों के आंसर पहले पढ़ देता हूं बिफोर आई ओपन द आंसर। वैष्णवी पांडे सेइंग एक्सियोम स्पेस एक्स वन मिशन, ऑलराइट। सनिका इज सेइंग इंस्पिरेशन फोर मिशन। अपर्णा वी सेइंग एक्सियोम मिशन वन। एंड सोनिया गांधी प्लीज डोंट, प्लीज सोनिया गांधी यू स्टे आउट ऑफ इट। प्रवीण राठौर इज सेइंग स्पेसशिप वन। ऑलराइट, तो चारों के आंसर आ गए। अब हम आंसर खोलेंगे, देखते हैं किसने सबसे पहले और सही जवाब दिया है। हियर कम्स द आंसर। एक्सियोम वन इज द नेम ऑफ द स्पेसशिप, द स्पेस फ्लाइट। और सबसे पहले आंसर दिया है, जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वो है वैष्णवी पांडे। एक्सियोम स्पेस एक्स वन मिशन। तो वैष्णवी पांडे, मैं आपका नाम डिस्प्ले कर रहा हूं और आप इस टाइप ब्रेकर को जीतती हैं और एज ए रिजल्ट यू ऑल्सो विन टूडेज क्विज एंड देयरफॉर यू हैव बिकम एलिजिबल फॉर फ्री ऑरेकल रीडिंग वैष्णवी पांडे विच इज वर्थ 400 रुपीज। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अपने क्वेश्चंस आप सोच लीजिए जो आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, बिकॉज व्हेन वी रिटर्न आफ्टर दिस ब्रेक वी विल डू योर ऑरेकल रीडिंग। आपके जो भी सवाल है वो आंसर किए जाएंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट वैष्णवी पांडे एंड ग्रेट जॉब फॉर विनिंग द क्विज टूडे।